जनपद संबल बनियाथेर थाना क्षेत्र के पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश और एक सिपाही घायल, इलाज के लिए बहजोई के सरकारी अस्पताल में भर्ती। संबल जनपद की बनियाठेर थाना पुलिस के वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जब वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो उसने रुकने की जगह अपनी बाइक की रफ्तार और तेज कर दी और जैसी थरेसा गांव के जंगल की तरफ भागा, जिसकी सूचना हयातनगर और बहजोई पुलिस को दी गई। दोनों थानों की पुलिस द्वारा की गई घेराबंदी करने पर अपने आप को घिरा हुआ देखकर 15,000 के इनामी बदमाश नंदराम उर्फ नंद किशोर ने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में नंदराम भी घायल हो गया, जबकि इसका साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश से एक बाइक, एक तमंचा और 4 जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया। घायल सिपाही और इनामी बदमाश नंदराम को इलाज के लिए बहजोई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार किया गया मुठभेड़ दौरान। क्या असर पूरा मामला? ये नंदराम उर्फ नंद किशोर करके एक अपराधी था। आज जनपद में शाम को व्हीकल चेकिंग चल रही थी, इसी में जब इसको रोकने का प्रयास किया गया चंदौसी की तरफ, तो ये भागा, ये रुका नहीं वहाँ से, तो फिर सभी को चेकिंग के लिए अलर्ट किया गया और इसमें हयात नगर पुलिस और ये बहजोई पुलिस ने घेराबंदी किया, जिसमें बनियाठेर क्षेत्र में एक जयसिंह थरेसा स्थान पड़ता है, वहाँ पे ये खेत की तरफ भागने लगा, उसी में इसने पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ और काउंटर फायरिंग में ये अपराधी भी घायल हुआ है। ये प्रथम दृष्टया जब इसकी खोजबीन की गई तो पता चला कि 15,000 का इनामिया है बहजोई थाना क्षेत्र से। इन सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है, कांस्टेबल को भी और अपराधी को भी, और अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल से इस्लाम अली की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज।